हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी सेपियंस। मैं हूं वैभव कुमार और आज हम लोग रैपिड फायर क्विज खेलने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। शुरुआती के दो चैप्टर्स हैं क्लास 11 के, प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर में आते हैं ये दोनों चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर दोनों को इंक्लूड कर दें तो नीट एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं और मेरी पूरी कोशिश यही है आज कि एनसीईआरटी के जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं वहां से मैं क्वेश्चन निकाल कर लाया हूं और जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं आज वो सारा करेंगे हम लोग। तो पहले कुछ क्वेश्चन वो जो सैंपल क्वेश्चंस हैं उसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो ये द लिविंग वर्ल्ड का जो सेशन है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का दोनों साथ में है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मोस्ट एक्सटेंसिव मतलब समझना है यार, ये क्वेश्चन में क्या मतलब बोला जा रहा है कि विच ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ऑप्शन है प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा और फंजाई। एक्सटेंसिव कहने का मतलब क्या होता है, मीन्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी अगर किसी के पास हो, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी अगर किसी के पास हो तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मीन्स ऑटोट्रॉफिक में भी फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक में भी पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोट्रॉफिक, बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। तो क्या मैं आंसर बोल सकता हूं कि आंसर यहां पे जाएगा मोनेरा। मोनेरा की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव। एनसीईआरटी लिखती है बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा मोनेरा। अगर पूछा जाता, चलो यहां पे तो मोस्ट पूछा गया है, अगर पूछा जाता सेकेंड मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, किसमें हो जाएगा, तो वो होता प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की डाइवर्सिटी कम नहीं होती है, उसकी भी डाइवर्सिटी बहुत होती है। तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में याद रखना, अगर फर्स्ट नंबर पे पूछा जाए तो मोनेरा, सेकेंड नंबर पे पूछा जाए तो प्रोटिस्टा। क्लियर है, चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। हेलो, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सबको। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग। आर्किबैक्टीरिया और अलग बैक्टीरिया से अलग कैसे हो जाते हैं। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग, दोनों में अंतर किस चीज का होता है। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग, किन चीजों में अंतर होता है। तो मैं बोलूंगा कि कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल में अंतर होता है। अगर सेल वॉल यहां पर ना हो, सेल मेम्ब्रेन हो, तो हम सेल मेम्ब्रेन भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्रांच लिपिड चेन होती है आर्किबैक्टीरिया में, जो इनको अलग से हार्श से हार्श एनवायरनमेंट भी जो होता है वहां भी सरवाइव ये कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2014 में सेम इसी क्वेश्चन का टाइप आया था उसमें सेल वॉल ऑप्शन में नहीं था, सेल मेम्ब्रेन था, है ना। तो याद रखेंगे चाहे सेल मेम्ब्रेन चाहे तो सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Which group of organism is responsible for the production of biogas from the dung of cow and buffaloes? कौन से group of organism की बात चल रही है जहां से biogas का production होगा। Biogas कहने का methane है ना, biogas में और भी बहुत सारे gases होते हैं लेकिन इसमें predominantly अगर हम बात करें तो methane ही शामिल होता है। तो cows and buffaloes, तो क्या ये दोनों को ruminant animals कह सकते हैं क्या, रूमिनेंट एनिमल्स कह सकते हैं क्या। एनसीईआरटी ने बोला है ना रूमिनेंट एनिमल्स, रूमेन होता है ना एक चैम्बर इनमें, तो आंसर क्या चला जाएगा, मिथेनोजेंस। ओके, आंसर है मिथेनोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं आगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या लगता है। एनसीईआरटी के चारों स्टेटमेंट हैं, most of the bacteria are autotrophs, all bacteria are heterotrophs, some bacteria are heterotrophs, most of the bacteria are heterotrophs, NCERT के स्टेटमेंट है। तो क्या लगता है आंसर क्या जाना चाहिए।
ज्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, जैसे दूध से दही जमाने वाले बैक्टीरिया है ना, कर्ड फॉर्मिंग में कर्ड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स बनाने वाले बैक्टीरिया, ज्यादातर इस बैक्टीरिया जो दुनिया में बैक्टीरिया है वो हेटरोट्रॉफ्स है, है ना। ज्यादा अबंडेंट कौन है, हेटरोट्रॉफ्स, जो खुद से खाना नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, ऑटोट्रॉप्स हैं, लेकिन उनकी नंबर, उनकी जो अबंडेंस है वो ज्यादा नहीं होती एज कंपेयर टू हेटरोट्रॉप्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 में चलें। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज सिमिलर इन साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट्स। सिमिलर चीजें पूछी गई हैं कि साइनोबैक्टीरिया में भी और प्लस ग्रीन प्लांट्स में भी। Which of the following character is similar in cyanobacteria and green plants? दोनों में ऐसा कौन सा character है जो same लगता है? दोनों में chlorophyll A है ना? चाहे cyanobacteria की बात करें, cell wall तो है ही, green plants में भी cell wall होता है। Cell wall का composition दोनों का अलग-अलग है ना? और ये भी जो है, ये gene जो होता है, तो इंड्यूसिंग फैक्टर जो होता है यहाँ पे नाइट्रोजिनेज का, वो भी चीज बिल्कुल अलग है। और ATS राइबोसोम दोनों में नहीं होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं हम साइनोबैक्टीरिया की, तो उसमें 70S देखा जाता है। तो आंसर क्या चला जाएगा, क्लोरोफिल ए चला जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। बोला गया है कि विच फेनोमेनन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के थ्रू कौन सा फेनोमेनन है जो परफॉर्म नहीं किया जाता है, जल्दी से बताओ भाई। ये गॉर्डिकोवाज इफेक्ट है, ये रेड एल्गी में देखी जाती है, ये चीजें रेड एल्गी में देखी जाती हैं। रेड एल्गी में जो लाइट का होता है ना, लाइट का जो प्रेजेंस होता है, तो उसको बोला करते हैं गॉर्डिकोवाज इफेक्ट बोला करते हैं। लाइट की जो अपियरेंस दिखती है उसको गॉर्डिकोवाज इफेक्ट बोला करते हैं। देखो, चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, चाहे वाटर ब्लूम हो, चाहे गॉर्डिकोवाज इफेक्ट हो, सारी चीजें देखने को मिलती है हमें साइनोबैक्टीरिया में। लेकिन बोल्टिंग इफेक्ट मालूम होगा, अगर जिबरेलिन सबने पढ़ा होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर उसमें बोल्टिंग इफेक्ट पढ़े हो, इंटरनोडल इलोंगेशन कैबेज में, बीट में पढ़े हो ये चीज, तो सिंपल सी यही बात है, बोल्टिंग इफेक्ट यहाँ पे है। तो बोल्टिंग इफेक्ट जब भी देखने को मिलती है तो ये प्लांट्स में ही देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया कभी भी इस फंक्शन को परफॉर्म करते नहीं है, तो ये बोल्टिंग इफेक्ट है, इंटरनोडल इलोंगेशन। और जहां तक गॉर्डिकोवाज इफेक्ट की बात है, ये कहीं ना कहीं रेड एल्गी के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, और रेड एल्गी के रिस्पेक्ट में ही गॉर्डिकोवाज इफेक्ट को बताया जाता है। मीन्स अगर सनलाइट आ रहा है, तो अगर मैं बात करूं जो ऊपर का सरफेस है, जो अपर सरफेस है, तो उस पर भी रेड एल्गी होते हैं और डेप्थ में भी रेड एल्गी देखने को मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गॉर्डिकोवाज इफेक्ट जो है उसी से ये चीजें रिलेटेड होती हैं। हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नोस्टॉक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेशलाइज्ड सेल, दे आर कॉल्ड। इन अ स्पेशलाइज्ड सेल को क्या बोलते हैं हम? नोस्टॉक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेशलाइज्ड सेल, तो इन अ स्पेशलाइज्ड सेल को क्या बोला जाएगा? हेट्रोसिस्ट बोला जाएगा, है ना, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं हम इन्हें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ भाई जल्दी से, क्या लग रहा है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। विच प्रोसेस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल एक्टिविटी। क्या बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाने में काम करता है? बिल्कुल काम तो है ही, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूम्स में, बिल्कुल सही, लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ स्यूडोमाइसिलियम, बिल्कुल नहीं। माइसिलियम की बात हो गई तो कहीं ना कहीं फंजाई से ही पॉइंट रिलेटेड हो गया ना। आंसर क्या चला जाएगा? 4। 8 का आंसर 4 है। लाइक्स पढ़ाओ भाई जल्दी से, लाइक्स पढ़ाओ, लाइक्स। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कई सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चूज द करेक्ट सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। चूज द करेक्ट सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज की करेक्ट सेट चूज करने हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कॉलेरा, टाइफॉइड और टेटनस? तो आंसर क्या चला जाएगा? 4, क्योंकि मम्स एक वायरल डिजीज है, इसमें यह खत्म हो गया। और
चिकन पॉक्स, टाइफाइड और मम्स, इसमें ये भी खत्म हो गया, चिकन पॉक्स भी खत्म हो गया, मम्स हो गया, है ना। तो हम बोल सकते हैं, एक बार जरा ट्राई करना बोलने का, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, टाइफाइड, सेलमोनेला टाइफी, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये तीन बीमारियां यहां पे हैं जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, विडाल टेस्ट किसमें करते हैं? विडाल टेस्ट किसमें करते हैं? सस्टेंड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस किसमें होता है? और सीवियर केसेस में इंटेस्टिनल परफोरेशन किसमें होगा? और मैरी मेलॉन की कहानी किसमें जिक्र आती है? तो सारी बातें यहां पे टाइफाइड से ही रिलेटेड हैं। तो टाइफाइड याद रखेंगे, टाइफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेल्मोनेला टाइफी क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भाई आगे, पूनम, अभिषेक, सहादत, वसंत, दुर्दना, पटेल, अंकित, गुंजन, अहाद, शिक्षा, राजीव, दीपक, प्रिया, जल्दी से बताओ भाई, क्या लगता है तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे कौन है माइकोप्लाज्मा से रिगार्डिंग? इन करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे कौन है माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग? माइकोप्लाज्मा, क्या माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल होता है? नहीं होता है, तो सेल वॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं ये, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं, दे हैव मेसोसोम फॉर रेस्पिरेशन। गलत बात, माइकोप्लाज्मा के पास ये नहीं है, माइकोप्लाज्मा फैकल्टेटिव के कैटेगरी में आता है। मीजोसोम की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास वो चीज नहीं होती है। और एक और लाइन अगर तुम एनसीईआरटी में देखे होगे तो माइकोप्लाज्मा कैन काउज डिजीज, मिस माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या दोनों में डिजीज काउज कर सकता है, एनसीईआरटी यही बोलना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम, अच्छा जो विटेकर ने दिया था 1969 में, ठीक है, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर, जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही फॉर्मेट के तो क्वेश्चन नीट में आते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर, तो सबसे पहले अगर बात चली है प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, क्या मैं बोल सकता हूं प्रोटिस्टा? बोल सकता हूं मैं प्रोटिस्टा? जितने भी प्रोटिस्टा हैं, एनसीईआरटी की पहली लाइन ही यही है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जब तुम पढ़ोगे प्रोटिस्टा, उसमें यही बात है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स तुम कह दो या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कह दो, बात बराबर है। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या चीजें आनी चाहिए? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कुछ इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, क्या इसका ट्रिक है? सी डी ई एस पी, तो सी फॉर क्राइसोफाइट्स, तो यहां पे डाइटम्स लिख रखा है, तो आंसर क्या चला जाएगा? 3। इसके अकॉर्डिंग मैच करोगे तो आंसर यही आ रहा होगा सबका, कि क्राइसोफाइट्स जिसे डाइटम्स कहते हैं, डायनोफ्लाजेलाइट्स, इग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स, है ना। तो 12 का आंसर सबका 3 आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में चलें। सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर एम्बेडेड विथ, तुम जानते हो डायटम्स के जो सेल वॉल होते हैं ना, वो इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, टूट नहीं सकते, टूटे नहीं, टूटते हैं, तो सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर एम्बेडेड विथ, आखिर क्या होता है उनमें जो टूटते नहीं है, वो आखिर वो क्यों नहीं टूटते, क्या होता है उनमें ऐसा? उनमें सीलिका होता है, क्या होता है भाई उसमें? सीलिका होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर एम्बेडेड विद सीलिका, तभी मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर के बाद डायटमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 में चलें। विच आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस, ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर्स कौन हैं? डायटम्स, डायनोफ्लाजेलेट्स, इग्लिनोइड्स और ग्रीन एल्गी। Which are the chief producers of oceans? तो एनसीईआरटी लिखती है ना कि डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस, ओशियंस में जितने भी ऑर्गेनिक फूड बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने वाला डायटम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सी अपियर रेड बाय रैपिड मल्टीप्लीकेशन,
विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सी अपीयर रेड बाय रैपिड मल्टीप्लीकेशन? गोनियोलॉक्स का नाम सबने सुना होगा, गोनियोलॉक्स। ऐसा नहीं है पूरी समंदर लाल हो जाती है, कुछ एरिया, कुछ किलोमीटर तक का एरिया वो पूरा रेड हो जाता है, क्योंकि गोनियोलॉक्स इतना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो रीजन इसके पीछे कुछ यही है। तो 15 का आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इग्लिनॉइड्स की अगर हम बात करें तो एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं होता, तो इस लेयर को क्या बुलाया जाता है? इग्लिनॉइड्स हैव अ प्रोटीन रिच लेयर इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, दिस लेयर इज कॉल्ड एज। इस लेयर को हमें क्या बुलाना चाहिए? इस लेयर को हमें पेलिकल बुलाना चाहिए। पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेलिकल। तो ये पेलिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो याद रखना, इग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होते, उसके जगह पे एक प्रोटीन का रिच लेयर होता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चार स्टेटमेंट हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सिंपल सिंपल से चार स्टेटमेंट हैं, क्या लगता है इसमें? और पर देखते हैं इसे। डायनोफ्लैजेलेट्स हैव अ स्टीफ, स्टीफ का मतलब होता है सख्त, सेलुलोज के प्लेट्स होते हैं आउटर सरफेस पे। बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। इग्लिनॉइड्स के पास दो फ्लैजला होते हैं क्या? बिल्कुल दो फ्लैजला हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। ये बात डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में सही बैठती, लेकिन अगर इग्लिनॉइड्स के बारे में बोला जा रहा है, दो फ्लैजला होते हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक शॉर्ट होता है तो एक लॉन्ग होता है, तो ये बात बोलनी चाहिए थी। तो आंसर ये गलत है, मींस इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। तो आंसर हो गया 17 का 2। सबका आंसर आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में चलो। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ। फंजाई के सेल वॉल किस चीज के बने हैं? द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ। फंजाई के सेल वॉल काइटीन और पॉलीसेक्राइड के बने हैं क्या? काइटीन और पॉलीसेक्राइड के बने हुए होते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विशेष, अथर्व, संहिता, कविता, शिक्षा, अहा, दीपक, बायोलॉजी बबल, अनुभा, मोनी, जहीद, राज, दुर्दना, शानु, योगेश। जल्दी से, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर है 3। आशो भाई 19 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन? कि विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। अगर मुझे ब्रेड और बियर बनाना है तो कौन सी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से ये बनाए जा सकते हैं? विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ब्रेड और बियर की बात चलेगी तो ईस्ट से, ईस्ट का काम होता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेशी का काम होता है ब्रेड और बियर बनाना, तभी तो कहते हैं। इनका बेकरी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा यूज है, और ब्रिंग इंडस्ट्री जहां शराब वगैरह बनाए जाते हैं, इसलिए ईस्ट को बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है और ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है। बेकर्स ईस्ट इसलिए क्योंकि बेकरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और ब्रूअरी ईस्ट इसलिए, या ब्रूअर्स ईस्ट ये बोलते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट, क्योंकि ये शराब की इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, फंगस प्रेफर टू ग्रो इन। फंजाई को कहां रहना पसंद है? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, कोल्ड एंड ह्यूमिड प्लेसेस, वार्म एंड कोल्ड बोथ, वार्म कोल्ड एंड ह्यूमिड प्लेसेस। क्या लगता है? तो फंजाई को नरम और गर्म जगहों पर रहना पसंद है, तो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर रहना पसंद है। तभी तो घरों में रेफ्रिजरेटर्स में नहीं हो पाते ये, तभी तो हम अपने खाने को बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन से बचाने के लिए हमें इसे फ्रिज में रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 21, इन फंजाई वेन द हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस एंड ब्रांच ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लेटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड। मीन्स कुछ ऐसा कहना चाह रहा है एनसीईआरटी लैंग्वेज, मीन्स कुछ ऐसे हाइफी हैं, यहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बीच में कोई दीवारें नहीं है, यहां पे जनरली सारी ब्रांचिंग है आपस में, लेकिन अंदर में कुछ भी नहीं है, हाइफी कंटिन्यूअस है बिल्कुल, एंड ब्रांच ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लेटेड साइटोप्लाज्म। एक साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस नहीं है, मीन साइटोप्लाज्म की अगर बात होगी तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भरे पड़े हैं। तो क्या ऐसे ही कंडीशन को सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं?
ऐसी कंडीशन को सिनोसाइटिक बोलना चाहिए। देखो होता क्या है ना, दो टर्म होते हैं, एक होता है सिनोसाइटिक, ठीक है, एक जो टर्म है हमारा वो होता है सिनोसाइटिक, और एक और टर्म होता है सिंसीशियम। इसका भी मतलब यही है, SYNCTIUM। लेकिन सिनोसाइटिक का यूज हम प्लांट्स और फंजाई के केस में हमें करना चाहिए, लेकिन सिंसीशियम का जो केस है वो एनिमल के केस में करना चाहिए। सिंसीशियम का मतलब भी सेम वही होता है, मल्टीन्यूक्लियेटेड कंडीशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इन फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, इन फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से क्या जाएगा आंसर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हें ट्रिक पहले ही बताया है, ओ आज बस, है ना, तो बस ये ट्रिक देख लो तुम, तो लगेगा तुम्हें कि अच्छा ओ आज बस इसमें मिल रहा है, तो इस चीज को हम बोलेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी स्पोर्स बनते हैं उनके नाम बिल्कुल यही हैं, ओस्पोर, एस्कोस्पोर और बसिडियोस्पोर। ये तीनों नाम याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, अंकित, राजीव, मनीषा, मंतेश्वर, कमलेश, अभिषेक, राजीव, शिवा, नूनू, रूबा, जल्दी से बताओ भाई, माइसीलियम ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर, चार होते हैं ना टोटल, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो माइसीलियम ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, यही तो थोड़ा अलग है, बाकी सब तो अलग ही है ना, यही तो थोड़ा अलग है, बाकी सारे के सारे सेप्टेट और ब्रांच होते हैं। अगर तुमने पढ़ा होगा सारा, अगर चार क्लासेस की बात करें, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, अगर ये तीनों की बात करें तो इसमें जो माइसीलियम देखने को मिलता है हमें वो सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, लेकिन अगर बात मैं बोलूं फाइकोमाइसिटीज के बारे में तो ए सेप्टेट होता है क्योंकि बीच में दीवारें नहीं होती, सिनोसाइटिक होता है, जो अभी हमने केस देखा था, न्यूक्लियेटेड कंडीशन होगा, मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन होगा, उसको बोलते हैं सिनोसाइटिक। क्वेश्चन नंबर 24, चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइकोमाइसिटीज, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज के बारे में कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे देखने को मिल रहा है, बताओ भाई क्या जाएगा आंसर। मेंबर्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, बिल्कुल एक्वेटिक हैबिटेट्स पे भी मिलते हैं, डिकेड वुड्स पे भी मिलते हैं, स्पोर्स अंदर बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, मतलब कुछ ऐसा केस बनता है, कुछ ऐसा ही केस बनता है। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय रिडक्शन डिवीजन, बिल्कुल गलत, जाइगोस्पोर इसमें बात बनेगी ही नहीं, ठीक है, जाइगोस्पोर इसमें नहीं बनता रिडक्शन डिवीजन से, याद रखेंगे इस चीज को। और सारे टाइप के सिंगामी देखने को मिलती है, आइसोगैमी, अनिशोगैमी, ओगैमी। ओके, तो आंसर क्या है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज, जल्दी से बताओ भाई, आएगा प्रणव, प्रणव आएगा वो भी, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, राइजोपस और म्यूकर। तुम्हें ट्रिक अगर याद होगा तो फाइकोमाइसिटीज का ट्रिक है राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर, इसमें एस्परजिलस नहीं आता क्योंकि एस्परजिलस तो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच फंगस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, काफी ज्यादा जेनेटिक्स में भी इस्तेमाल की जाती है उस चीज की। हाँ भाई बोलो भाई क्या जाएगा आंसर, जिसे ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, न्यूरोस्पोरा, क्लियर है ना, न्यूरोस्पोरा, इट इज ऑल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। ये फंगस बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनका बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, किसके बारे में, एस्कोमाइसिटीज के बारे में। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ लो भाई, चारों स्टेटमेंट पहले पढ़ो अच्छे से, माइसेलियम इज ब्रांच्ड होती है क्या, माइसेलियम ब्रांच देखने को मिलेगा, हाँ, अभी देखा है हमने, माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, सेक्सुअल स्पोर अंदर में बनेंगे, बिल्कुल सही, एस्कस में बनते हैं, ठीक है, साइक लाइक स्ट्रक्चर इन विच कैरियोगैमी, ठीक है, कैरियोगैमी टेक्स प्लेस। ओके, आंसर क्या चला जाएगा, 4, क्योंकि ऊपर के तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है
और रिडक्शन डिवीजन आकर इन फ्लोटिंग बॉडी एंड फॉर्म्स कुनिडिया। कुनिडिया की बात तो सही है लेकिन कुनिडिया रिडक्शन डिवीजन से नहीं बनते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां से कुनिडिया का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बोला गया है कि विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड विद बैसिडियोमाइसिटीज। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड विद बैसिडियोमाइसिटीज। बैसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल बड़े सिंपल हैं, जैसे मशरूम, मुस्टिलाग, एस्परजिलस तो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है फाइकोमाइसिटीज में, इसमें भी नहीं आएगा। देखो ना, एस्परजिलस के बेसिस पे तो हटा सकते हो, ठीक है। तो 28 है, आंसर क्या चला गया तुम्हारा? 3 चला गया, एल ए जी ओ होगा, है ना? 28 का आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय मेंबर्स ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज। विच सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ भाई क्या लग रहा है आंसर। विच सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर 29, क्या लग रहा है तुम्हें? रस्ट और स्मट की बात याद आती है, वीट में होते हैं प्रॉब्लम, मेज में होते हैं प्रॉब्लम, है ना? तो रस्ट और स्मट। ओके रविंद्र, ओके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फंजाई इम्परफेक्टाई इज कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों बोलते हैं ये भी रीजन बताना कि फंजाई इम्परफेक्टाई तो लोग जानते ही हैं कि डिडोरोमाइसिटीज में मिलेगा, तो फंजाई इम्परफेक्टाई इज कॉल्ड तो समझ में आता है कि डिडोरोमाइसिटीज को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वेजिटेटिव भी मिलता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक भी स्टेजेस देखने को नहीं मिलते हैं। आगे अगर डिस्कवरी होती है इनके सेक्सुअल फेजेस तो डाल दिए जाएंगे डायरेक्ट एस्को और बैसिडियो में डाल दिए जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, विच इज नॉट फाउंड इन मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। Which is not found in members of deuteromycetes. अभी जो क्वेश्चन आया उस पर एग्जैक्ट बेस्ड है ये क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 31, आंसर है 4। क्योंकि deuteromycetes में तो तुमने अभी देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है हमें। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन सेलुलर कहो या ए सेलुलर कहो बात बराबर है, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाई having an inert means inactive crystalline structure outside the living cell। बात किसके बारे में चल रही है कि कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉन सेलुलर है, जिसमें जो क्रिस्टल के जैसा दिखता है लेकिन इनर्ट होता है लिविंग बॉडी के बाहर में। तो ये क्या बात वायरस के बारे में चल रही है? क्या ये बात वायरस के बारे में चल रही है? बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। किसके बारे में? वायरस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े आगे हम। क्वेश्चन नंबर 34, सिलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है यहां पे। सबसे पहला लाइकेन के बारे में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, बिल्कुल सही है, बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। हाँ इधर देखो जरा, लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, बात बिल्कुल सही है। वायरसेस क्या छोटे होते हैं बैक्टीरिया से? बिल्कुल सही, तभी तो बैक्टीरिया प्रो फिल्टर से पास हो जाते हैं। वायरस नेम पाश्चर, बिल्कुल। वायरस आर फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब समझना 50% पैरासिटिक, बात बिल्कुल गलत है, ये ऑब्लिगेट पैरासिटिक होते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा? 4। मैं अगर तुमको बोलूं कि मैं फैकल्टेटिव नेचर का हूं, ठीक है, फैकल्टेटिव इन द सेंस ऑफ टीचिंग के सेंस में अगर मैं बोलूं तो फैकल्टेटिव मींस 50% मैं काम टीचिंग का करता हूं, 50% पार्ट टाइम जॉब में मानो कुछ और काम करता हूं, तो ये फैकल्टेटिव का एग्जांपल हो गया। अगर मैं बोलता कि मैं ऑब्लिगेट टीचिंग करता हूं तो मैं 100% टीचिंग पे ही डिपेंडेंट हूं। तो फैकल्टेटिव का मतलब 50%, ऑब्लिगेट का मतलब 100%, कुछ ऐसे समझना, तो चीजें इजी होंगी तुम्हें समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 34, आंसर है 4। 35 में चलो, इज ट्रू अबाउट बैक्टीरियोफेज, इज ट्रू अबाउट बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेज का तुम्हें बताना है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए, पहले आरएनए और डीएनए का लफड़ा क्लियर करो, कौन ट्रू है बैक्टीरियोफेज के बारे में? आरएनए तो होता नहीं है, अब ये तो पॉइंट क्लियर हो गई होगी, आरएनए तो नहीं है भाई। अब डीएनए है, तो डीएनए में दो ऑप्शंस हैं यहां पे,
एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो सबको याद होना चाहिए कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखो, एक तुमसे बैक्टेरियोफेज का पूछा जाता है और एक तुमसे टोबैको मोजाइक वायरस का पूछा जाता है। टोबैको मोजाइक वायरस का अगर पूछा जाता तो आंसर फर्स्ट चला जाता एसएसआरएनए, दे आर जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अगर ये केस पूछी जाती टीएमवी के बारे में, टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में, जिसमें कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड देखने को मिलता है। 35 आंसर 2 है, क्लियर है ना सबका? 35 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 36, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वायरॉइड। वायरॉइड सबने पढ़ा है 1971, टीओडिनर, तो टीओडिनर के बारे में बात बिल्कुल सही है। फ्री इंफेक्शियस आरएनए बात बिल्कुल सही है। इट कॉजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पीएसटीडी बात बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स हाई मॉलिक्यूलर वेट, गलत, हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, लो मॉलिक्यूलर वेट यहां पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? 4। ओके, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट था तो आंसर 4, मतलब 90% बच्चे क्लास में आंसर सही कर रहे हैं, मतलब गजब बात है भाई, गजब, बिल्कुल मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर है 4। 37, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या लग रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है इसमें से? माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ शेल वॉल, माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, क्या माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? बिल्कुल सही, कैन सर्वाइव, बिल्कुल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, बिल्कुल सही, आंसर जाएगा 4। माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, गलत बात, टेट्रासाइक्लिन के लिए हो सकता है, पेनिसिलिन के लिए नहीं है, क्योंकि पेनिसिलिन का एक्शन किसी के सेल वॉल पे होता है, माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल ही नहीं है। जब सेल वॉल ही नहीं है तो पेनिसिलिन तुम कहां एक्शन करोगे माइकोप्लाज्मा में, समझ रहे हो तुम बात को? तो 36, 37 का आंसर 4 चला जाएगा। 38, डायरेक्ट ये नाम याद रखना है, 2007 में पूछा गया है क्वेश्चन, इंडोमाइकोराइजल फंगस इज, इंडोमाइकोराइजल फंगस इज, तो डायरेक्ट याद रखेंगे किसके बारे में? ग्लोमस के बारे में। माइकोराइजल सब लोग जानते हैं, तो बस इसमें ही पूछी गई बात, इंडोमाइकोराइजल फंगस। ओके, तो 38 का आंसर क्या चला जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 39, जनरली, गौर से सुनना, जनरली प्लांट वायरसेस आर, जनरली इसमें बोला गया है, जनरली प्लांट वायरस की अगर बात करें तो प्लांट में एसएसआरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बिल्कुल सही, चलो भाई बहुत बढ़िया, लाइक्स पढ़ाते जाओ, लाइक्स पढ़ाते जाओ, अरे मुझे एनर्जी उसी से मिलती है, लाइक्स बढ़ाओ, ग्लूकोज का काम वही करता है मेरे लिए। सुबह सुबह 8 बजे से हमारी लेक्चर होती है ना, ना तुम कुछ खाकर बैठे हो ना मैं कुछ खाकर बैठा हूं, तुम भी एनर्जेटिक मैं भी एनर्जेटिक, तो मैं और ज्यादा एनर्जेटिक कैसे रहूंगा, लाइक्स बढ़ाते चले जाओ। 93 बच्चे लाइव हैं, आगे 100 टारगेट करते हैं, 100 बच्चे का लाइव का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, डेली सुबह 8 बजे सेशन फिलहाल चल रहा है अभी। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किसका यूज नहीं किया गया? हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में, जितने फॉर्मेट में मैं लाया हूं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम सिस्टम, तो फाइव किंगडम सिस्टम में न वायरस आए, न वायरॉइड आया, न लाइकेन आया, कहीं ना कहीं ऑर्फेंस ऑफ द फाइव किंगडम सिस्टम कहे जाते हैं, ये अनाथ रह गए ये, है ना? तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा यहां पे 4, क्लियर है? बहुत बढ़िया, आंसर है ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 41, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लाइकेंस, लाइकेंस के बारे में जल्दी से बताओ भाई, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लाइकेंस, लाइकेंस के बारे में कौन सी चीज तुम्हें सही लग रही है? These are very good polyphenol indicator, क्या? हाँ, lichens जहाँ SO2 होते हैं ना, वहाँ पे growth तक नहीं करता, तो बहुत अच्छी बात, सही अलाइन। algal component को क्या phycobiont बोलते हैं? हाँ। fungal component को क्या microbiont बोलते हैं? हाँ। तो answer क्या जाएगा? Answer जाएगा 4, all the above, okay? Next चलो question number 42 में, select incorrect statement,
सिलेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट. अंकित, अभिषेक, मनीषा, राजीव, प्रिया, संदीप, दुर्दना, आयुषी, वरदान, गुंजन, संदीप, जहीद, अहाद, आशीष. जल्दी से लगाओ भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें कौन लग रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें कौन लग रहा है? यहां पे पी है भाई, पेप्लोमर्स. हाँ, पहला स्टेटमेंट देखो यहां पे कि डब्ल्यू एम स्टैनली सो डेट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज. सही बात. एडिशन टू प्रोटीन कुड वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मेटल, चाहे तो आर एन ए चाहे तो डीएनए. स्मॉल सब यूनिट को कैप्सिड को कैप्सोमेयर्स बोलते हैं, पेप्लोमेयर्स नहीं बोला जाता. आंसर क्या जाएगा? 4. इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुमसे पूछा गया था, आंसर यहां पे 4 है. क्वेश्चन नंबर 43. द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंजेस बिटवीन, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड है तो टोटल 7 टू 8 मिलियन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे एस्टिमेशन, जो साइंटिफिक डेटा है वो. लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कितना के बारे में जाना जा चुका है और कितने डिस्क्राइब कर जा चुके हैं, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन में 17 से 18 लाख लिविंग स्पीसीज को हमने डिस्कवर कर लिया है. तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज. क्वेश्चन नंबर 44. ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग इनटू कॉन्वेनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. किसी भी चीज का अगर हमें ग्रुपिंग करना है कन्वीनियंट कैटेगरीज में, कुछ कैरेक्टर्स को हमने ऑब्जर्व किया और कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई कर दिया. तो क्लासिफाई करना बोले तो क्लासिफिकेशन है ना. अथर्व, प्रियांशी, शर्मा, प्रतीक, विशेष, विशाल, शिवा, पायल, रोहित, कविता. बहुत बढ़िया, शानदार. तो 44 का आंसर क्या है? 3 जाएगा आंसर. नेक्स्ट 45. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ते हैं. टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, इकोलॉजी, टैक्सीमेट्रिक्स. क्या लगता है? बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें रिलेशनशिप. याद रखना, जब कभी भी ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप की बात आएगी तो सिस्टमैटिक्स का ही जिक्र आएगा. चाहे वो पिछले कुछ, अगर मैं बोलूं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से अगर बातें हूं, फिलोजेनी की भी बात करते हैं सिस्टमैटिक्स में. एनसीईआरटी लिखती है कि सिस्टमैटिक्स टेक्स अकाउंट इनटू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो सिस्टमैटिक्स में ही रिश्ते तय किए जाते हैं, आपस में रिश्ते बैठाए जाते हैं. सिस्टमैटिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है सिस्टेमा. और सिस्टेमा का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. लिनियस की एक बहुत फेमस किताब है जो कि नाम है सिस्टेमा नेचुरल. ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना. एनिमल्स पे लिखी गई किताब. क्वेश्चन नंबर 46. इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे पहचानोगे? फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेजिटेटिव फीचर्स, जेनरेटिव फीचर्स, बोथ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल फीचर्स, और नाइदर वेजिटेटिव नॉर फ्लोरल फीचर्स. आंसर क्या लग रहा है? एनसीईआरटी लिखती है ना कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल फीचर्स. कई बच्चों को लाइनें नहीं समझ में आती है, बड़ी सिंपल सी चीज है. देखो, अगर जिसे भी नहीं समझ में आया वो करेगा क्या, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो. इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में फैमिली का जिक्र है. फैबेसी, सोलनेसी, लिलेसी. तुम फैबेसी को निकालो. फैबेसी का दो टॉपिक में एनसीईआरटी ने डिवाइड किया है. एक टॉपिक है वेजिटेटिव फीचर और एक टॉपिक है फ्लोरल फीचर. वेजिटेटिव में आते हैं रूट, स्टेम, लीफ वगैरह. फ्लोरल फीचर्स में आते हैं फ्लावर्स. फ्लावर्स के अंदर एस्टिवेशन, फ्लावर्स के अंदर प्लेसेंटेशन, ये सब चीजें आती हैं उसके अंदर. ठीक है, तो फैमिलीज में दो तरह के फीचर्स इंपॉर्टेंट है. 47. इन बोटेनिकल गार्डन्स वेरियस प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फॉर विच पर्पस, आखिर पर्पस क्या है? बोटेनिकल गार्डन्स में क्यों इतने स्पीसीज को ग्रोन किया जाता है, क्यों उगाए जाते हैं इतने सारे स्पीसीज? मकसद है यहां पे आइडेंटिफिकेशन का, ताकि कोई आए यहां पे आइडेंटिफाई करे इन सब चीजों को, क्योंकि टैक्सोनॉमिकल एड्स में काफी अच्छा है ये आइडेंटिफिकेशन. समझ गए? हाँ. तो देखो, किसी बच्चे ने कहा कि वो तो सर रिप्रोडक्टिव था ना राजीव, चाहे हम बोलें फ्लोरल फीचर्स चाहे हम बोलें रिप्रोडक्टिव, बात बराबर है. फ्लोरल में ही तो आते हैं ना एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम, उसमें ही तो आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. की अ टैक्सोनॉमिकल एड
यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किन किन चीजों पे बेस्ड हैं, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज पे। तो हर एक स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है इसमें, हर एक स्टेटमेंट को लेट बोलते हैं, और जब दोनों स्टेटमेंट की बात आती तो हम इसे कब लेट बोलते हैं, आंसर क्या चला जाएगा, लेट चला जाएगा, है ना। मींस बोल सकते हैं कि इससे कुछ क्लू मिलता है, लीड मिलता है हमें, है ना। तो लीड इज, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया इज नोन एज। तुम्हें इसका ट्रिक भी बताया है, अगर मानो कि तीन स्टेटमेंट हो, तीन वर्ड हो इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट और इंडेक्स, अगर ये तीनों वर्ड मिल जाएं तो क्या लगाओगे आंसर, फ्लोरा, ठीक है। कभी भी अगर ऑप्शन में तीन वर्ड अगर मिल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट और इंडेक्स, तो बात चलेगी किसके बारे में, फ्लोरा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें फ्लोरा में और मैनुअल्स में कंफ्यूजन होता है। तो फ्लोरा मैनुअल्स के बारे में आज के बाद बस एक बात, फ्लोरा में तीन वर्ड्स का जिक्र होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट और इंडेक्स। जैसे कि तुम यहां देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट तो है, मतलब फ्लोरा के बारे में जिक्र हो रहा है, ओके, और मैनुअल्स के बारे में चीजें अलग हो जाती हैं। देखो ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, देखो इसके बारे में बताओ, तो जो जिसमें कंफ्यूजन होता है, एक फ्लोरा में एक मैनुअल्स में, उसके बारे में चीज क्लियर है। द टैक्सोनॉमिकल एड विच इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, क्या इसमें ये तीन वर्ड की जिक्र की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट और इंडेक्स की, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा मैनुअल्स, ओके। 50 का आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, मोनोग्राफ्स, नाम ही बहुत कुछ बयां कर देती है, मोनोग्राफ्स आर कंसर्न विद, मोनोग्राफ्स आर कंसर्न विद, मोनो के मतलब से भी, मतलब कोई भी बच्चा इसे लगा सकता है कि इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सन, मीन्स एक टैक्सन, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं अगर कि प्लांटी, है ना, तो एक टैक्सॉन के बारे में अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात की जाएगी तो मोनोग्राफ्स। केरला पीएमटी में क्वेश्चन आया, ऐसा कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड है जिसमें एक टैक्सॉन के बारे में कंपाइल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं, तो आंसर क्या है, मोनोग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, आईसी जडन तुम्हें मालूम होगी, तो आईसी जडन के अकॉर्डिंग तुम देखो, आईसी जडन के अकॉर्डिंग तुम बोलोगे तो बस एक ही मिल रहा है, मतलब एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। सीपी का मतलब देखो, ये जितने भी हैं वायरस के लिए हैं, है ना, जैसे नाम से तुम्हें पता लग जाएगा बहुत कुछ। देखो ना, जैसे मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं सीपी, तो सीपी का मतलब कल्टिवेटेड प्लांट, इसके साथ मैच कर सकते हो, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ओके। अब देखो यहां पे वी है, ठीक है, तो वी का मतलब क्या हो जाएगा, वायरस, तो बी का मतलब क्या हो जाएगा, वन, है ना, तो आंसर टू आ रहा है सबका, टू आ रहा है सबका आंसर, मीन्स बी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। तो देखो ऐसे में क्या होता है ना, एलिमिनेट भी करोगे ना तो हो जाएगा आराम से, थोड़ी थोड़ी चीजें, तुम्हें मानो पूरा नहीं आता है, अभी हमारे सिलेबस में भी नहीं है, पहले हुआ करते थे आईसीएनबी, आईसीटीवी, आईसीएनसीपी, आईसीजेडन, मतलब मैं तुम्हें बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो तुम कर लोगे आराम से। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ये साइंटिफिक नेम है, समझ कर देखना कि इसे इटैलिक्स में ही लिखा गया है, वो टाइपिंग की इशू है। कि प्लांट जिसका नाम है ऑस्मम सैंक्टम बिलोंग्स टू किंगडम प्लांट, है ना, किंगडम किसमें आता है, ये प्लांटी में आता है, किंगडम क्या है इसका, प्लांटी। एज पर टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, जो टर्म किंगडम है और जो प्लांटी है, आर रिस्पेक्टिवली किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इधर वाले चीजों को हम कैटेगरी बोलते हैं, तभी तो सेवन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है ना, तो किंगडम क्या हो जाएगा, कैटेगरी, और इधर वाले को क्या बोलते हैं हम, टैक्सॉन बोलते हैं। जैसे अगर मुझे एक बताओ भाई, मुझे तुम लिखवाओगे, है ना, मैंगो का मुझे बताओ, मुझे मैंगो के बारे में सात के सात चीज लिखने हैं, ठीक है, हेल्प करो मेरी किंगडम में क्या लिखूं मैं, क्या किंगडम में प्लांटी लिखना चाहिए, फाइलम में तो नहीं लिखेंगे, बोलेंगे डिवीजन, क्योंकि डिवीजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्लांट है, तो डिवीजन में मुझे क्या बोलना चाहिए, एंजियोस्पर्म ही बोलना चाहिए, है ना, एंजियोस्पर्म ही। क्लास की बात चली है तो डाइकॉटलेडनी बोलना चाहिए,
है ना, डाइकॉटलीड नहीं भूलना चाहिए। ऑर्डर की बात चली है तो बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेपिंडल्स की बात चली है, फैमिली तो बहुत बड़ा नाम होता है, एनाकार्डियासी। अगर बात करूं मैं जीनस के बारे में तो जीनस तुम्हें तो पता ही है कि मैंजीफेरा है ना, और बाकी ये पूरा का पूरा इसमें इंडिका आ सकता है या मैंजीफेरा इंडिका आ गया। ओके, तो देखो इधर वाले जितने भी वर्ड हो गए सारे के सारे क्या हैं, कैटेगरी इनको बोला करते हैं, और टोटल टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी 7 होते हैं जिनको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो चीजें पढ़ते हैं हम। और इधर के जितने भी नाम है ना, इधर के सारे नाम जो होते हैं वो सारे नाम टैक्सोन कहे जाते हैं। कोई भी नाम तुम यहां ले लो, चाहे तुम एनिमेलिया ले लो, तुम आर्थ्रोपोडा ले लो, कुछ भी ले लो तुम इधर वाले, तो ये चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, 54 लगाओ भाई। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू फाइव किंगडम प्रपोज्ड बाय विटेकर। हाँ बताओ भाई, रिप्रोडक्शन, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो नहीं था ना, मेटाबॉलिज्म कहाँ था, मेटाबॉलिज्म की बात करते ही नहीं थे इसमें, है ना। तो ओवरऑल आंसर क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट 55, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फंजाई प्रपोज्ड बाय विटेकर। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फंजाई प्रपोज्ड बाय विटेकर। फंजाई के बारे में तुम्हें क्या लग रहा है, मींस कौन सा गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट बताना है। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट किंगडम फंजाई प्रपोज्ड बाय विटेकर। क्या मल्टीसेलुलर है, बात सही है, वेल डिस्टिंक्ट टिश्यू सिस्टम नहीं होता इनमें, है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा, 3। यूकेरियोटिक बात सही, सेल वॉल विदाउट सेल वॉल बात तुम समझ रहे होगे। ओके 56, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, किंगडम मोनेरा इज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर बैक्टीरिया। फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर बैक्टीरिया। हाँ तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें साफ तौर पे पता लग रहा होगा कि वास्ट मेजोरिटी ऑटोट्रॉप्स के नहीं होते, वास्ट मेजोरिटी किसकी होती है, हेटरोट्रॉप्स की मेजोरिटी ज्यादा होती है ना। तो द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स। फिफ्टी सेवन, फ्रॉम आउटर मोस्ट बॉडी कवरिंग पॉइंट ऑफ व्यू विच ग्रुप ऑफ मोनरा डू नॉट शो रिजेंबलेंस विथ अदर्स। बिल्कुल अलग वाले कुछ हट दो यहां पे, तुम अलग वालों को में किसको छांटोगे। आउटर मोस्ट बॉडी कवरिंग के अकॉर्डिंग विच ग्रुप ऑफ मोनरा डू नॉट शो रिजेंबलेंस विथ अदर। माइकोप्लाज्मा बिल्कुल अलग है। माइकोप्लाज्मा क्यों अलग है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता। तो 57 का आंसर क्या चला जाएगा, 57 का आंसर क्या चला जाएगा, तो 57 का आंसर है तुम्हारा 3। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, यहां पर सबको मालूम होनी चाहिए ये चीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में चलें। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम थियरी सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। उसके बाद एनसीईआरटी के आगे लाइन कंटिन्यू होती है कि मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, है ना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। में ज्यादातर जो तुम्हें मिलेंगे वो एक्वेटिक ही मिलेंगे, चाहे तुम क्राइसोफाइट्स को लो, डायनोफ्लेजेलेट्स को लो, इग्लेनोइड्स को लो, ये सब ज्यादातर एक्वेटिक ही मिलते हैं। 59, ऐसा कौन सा किंगडम है फाइव किंगडम में जो विटेकर ने प्रपोज किया, जो लिंकेज बनाता है प्लांट एनिमल और फंजाई के साथ। उस किंगडम में कभी कभी रिश्ते ऐसे लगेंगे कि प्लांट के साथ ऑर्गेनिज्म का मिल रहा है, एनिमल के साथ फंजाई के साथ। जैसे देखो ना, फंजाई के साथ स्लाइम मॉल्ड्स का, एनिमल के साथ प्रोटोजोअन्स का, प्लांट के साथ डायनोफ्लेजेलेट्स का, इग्लेनोइड्स का, ये सब का, है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा, प्रोटिस्टा। क्लियर है ना, प्रोटिस्टा। क्लियर है राजीव, प्रियांशी, अहाद, मनीषा, गरिमा, शानु, देवेश, महावीर, अभिषेक, दुर्दना, अहाद, तारिक, मामूद,
बहुत बढ़िया, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, ग्रुप का नाम क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, क्राइसोफाइट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक तो डायटम्स आता है, एक डेसमेंट्स आता है, गोल्डन एल्गी जिसे कहते हैं हम। आंसर क्या हो जाएगा? 4, बोथ 1 और 3। क्लियर? क्लियर है, क्लियर है। आगे चलें। 61, रिलीज टॉक्सिन्स ऑफ विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा इज द काउज ऑफ डेथ ऑफ द अदर मेरेन एनिमल्स सच एज फिशेस। रिलीज टॉक्सिन्स जो निकलते हैं प्रोटिस्टा से, तो मैरीन एनिमल्स जैसे मछलियां वगैरह मर जाती हैं, ठीक है? तो डायनोफ्लेजलेट्स याद होगा तुम्हें, गोनियोलक्स वगैरह है ना, तो डायनोफ्लेजलेट्स की बात करेंगे हम। नेक्स्ट 62, इन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट मौजूद ना हो तो विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा बिहेव लाइक हेटरोट्रॉफ्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। जल्दी से बताओ क्या लग रहा है तुम्हें, क्या लग रहा है? इग्लेनोइड्स आ रहा है आंसर तुम्हारा? इग्लेनोइड्स आ रहा है आंसर, इग्लेनोइड्स आ रहा है, तो तुम बिल्कुल सही हो। हाँ, तो अपने ग्रुप में, पूरे प्रोटिस्टा ग्रुप में बहुत बदनामी झेली है इग्लेनोइड्स। मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल ग्रुप है ये, कि रात में कुछ और, दिन में कुछ और। दिन में सनलाइट है तो आराम से फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन रात में तो सनलाइट है नहीं, तो उस समय प्रीडेटर्स बन जाते हैं ये। 63, अच्छे से पढ़ना है इसको। 63, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बात बिल्कुल सही है। इनके लिंकेज भी है फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स के साथ। स्लाइम मॉल्ड्स बिल्कुल सैप्रोफिटिक होता है, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट इट? गलत क्या है, इनकरेक्ट क्या लगता है? स्लाइम मॉल्ड्स के बारे में तुमसे चीजें पूछी जा रही हैं, तो इसमें गलत क्या लग रहा है? बोलो। एनसीईआरटी अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा तुमने, ये लाइन बिल्कुल सही है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म प्लाज्मोडियम, मे ग्रो एंड स्प्रे ओवर सेवरल फीट, बिल्कुल बात सही है। लेकिन प्लाज्मोडियम का डिफरेंशिएशन होना, प्लाज्मोडियम का डिफरेंशिएशन होना ये अनफेवरेबल कंडीशन में है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं सब। एनसीईआरटी लिखती है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जाएगा 3। 63 आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सो अ ग्रेट डायवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। एक तो ग्रेट डायवर्सिटी आती है न्यूट्रिशन में, तो वो मोनरा है, सेकंड नंबर पे प्रोटिस्टा है। लेकिन इसमें तुमसे पूछा गया है कि देखने में और उनके जो हैबिटेट है ना, मतलब पानी में भी, डिकेड ऑर्गेनिज्म पे भी, डिकेड प्लांट्स पे भी, सॉइल पे भी, मींस हर जगह वो ग्रो कर रहे हैं, तो बात किसके बारे में बोली जा रही है? क्या फंजाई के बारे में? जब जब डायवर्सिटी से क्वेश्चन आएगी कि किसकी डायवर्सिटी ज्यादा, तो इसकी डायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं कुछ डायवर्सिटी के तुम्हें कुछ आंकड़े बताऊं, ये आंकड़े तुम्हें याद रखने चाहिए। जैसे एक तो 70%, ये बायोडायवर्सिटी का आंकड़ा है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 15। इसके बाद 22% का है, और इसके बाद 8% का। ये डेटा याद होना चाहिए सबको, एनसीईआरटी में से मेंशन कर लेना। अगर मैं बोलूं इस दुनिया में 70% कौन है, एनिमल्स हैं, इसमें भी कौन, आर्थ्रोपोड्स वगैरह ज्यादा है, मींस 10 में से 7 एनिमल्स हैं। 22% में जितने भी प्लांट्स वगैरह आते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, और बाकी 8% में अगर मैं बात करूं तो इसमें मोनरा प्रोटिस्टा वगैरह को इसमें कंसीडर करते हैं। क्लियर है? मोनरा प्रोटिस्टा वगैरह को कंसीडर यहां पे किया जाता है, तो प्लांट्स और फंजाई वगैरह इसमें आते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें याद रखनी है तुम्हें, 70%, 22% और 8% का ये जो डेटा है। 65, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। हाँ लगाओ भाई। फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, अबाउट देयर रिप्रोडक्शन विच कॉम्बिनेशन इज नॉट ट्रू। फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, अबाउट देयर रिप्रोडक्शन विच कॉम्बिनेशन इज नॉट ट्रू। कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें ट्रू नहीं बैठ रहा है? तुमने सारे नाम सुने होंगे कि वेजिटेटिव में ये, एसेक्सुअल में ये, सेक्सुअल में ये, लेकिन ये तो नाम नहीं सुना होगा तुमने। आंसर क्या जाएगा? 4। तो
तो इसका कॉम्बिनेशन ट्रू नहीं है, टेलेटोस्पोर, क्लेमेडोस्पोर, कोइडिया वगैरह, आंसर चला जाएगा 65 का 4। 66, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेनिंग डायकेरोटिक स्टेज, याद आ रहा होगा तुम्हें, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवेनिंग डायकेरोटिक स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप इज ऑड, कौन सा फंगल ग्रुप तुम्हें ऑड लगता है? इंटरवेनिंग डायकेरोटिक स्टेज किसमें होती है, वक्त किसमें ज्यादा लगता है, एस्को और बैसिडियो में? तो एस्को बैसिडियो तो नहीं हो सकता, और बैसिडियो माइसिटीज को क्लब फंजाई बोलते हैं, तो आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट ऊ माइसिटीज। ओके नेक्स्ट 67, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई इंटू वेरियस क्लासेस इज बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स एक्सेप्ट, फंजाई का क्लासिफिकेशन हुआ है चार पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ थ्री, वो तीन इसमें से कौन है और एक को तुम्हें साइड करना है। तो तुम्हें मालूम चल गया होगा कि माइसिलियम के मॉर्फोलॉजी पे मिससेप्टेट है या एसिप्टेट है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन में मिससेक्सुअल है या एसेक्सुअल स्पोर है, वेजिटेटिव है। फिर बात आती है डाइकैरियोफेज में, तो ये कोई बेसिस होता ही नहीं है, फ्लोटिंग बॉडी तो जानते ही होगे तुम, एस्कोकार्प एसिडियोकार्प वगैरह। 68 में आओ, द ग्रुप ऑफ नेग्लेक्टेड प्लांट्स, बात यहां पे चल रही है थोड़ी सी कि जो ग्रुप की बात यहां पे चली जा रही है कि द ग्रुप ऑफ नेग्लेक्टेड प्लांट्स शोइंग ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट हैविंग वेरियस क्लासेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फाइकोमाइसिटीज, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज का ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, हाँ जी बिल्कुल 100% होते हैं, फाउंड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, सेप्टेट नहीं होता, एसेप्टेट के कैटेगरी में रखते हैं ना इसे, सिनोसाइटिक तो सही है लेकिन एसेप्टेट आना चाहिए, और एंडोजेनसली भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो इनकरेक्ट था नॉट एप्लीकेबल ऑन फाइकोमाइसिटीज वो हो गया तुम्हारा एसेप्टेट, क्लियर है ना, कुछ था नहीं क्वेश्चन में दम। 69, इन विच क्लास ऑफ फंजाई जनरली सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव ऑफ सोमैटिक सेल्स, एनसीईआरटी की लाइन है, बस तुम इतना देखो ना कि फंजाई के चार क्लासेस में किस में ये लाइन की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 69, क्या लगता है तुम्हें, बैसिडियोमाइसिटीज के आखिरी तीन लाइन नहीं है ये, है ना, सेक्स ऑर्गन्स में होते नहीं, एसेक्सुअल स्पोर भी नहीं होते, प्लाज्मोगैमी होता है, और ये तो कौन नहीं जानता, बताओ ना, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, क्लियर है, तो बैसिडियोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर 70, कहते हैं कि वंस परफेक्ट मिससेक्सुअल स्टेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड दे वेर ऑफन मूव्ड टू, कहां इनको रखना चाहिए फिर, अगर सेक्सुअल स्टेजेस मानकर चलते मिल जाते हैं तो इन्हें कहां रखना चाहिए, पहले भी बात हो चुकी है, एस्को और बैसिडियो में, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 हो जाएगा, तो 70 का आंसर क्या है, 4। क्वेश्चन नंबर 71, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज आर, एनसीईआरटी लिखती है ना डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर, है ना, तो डिकम्पोजर्स आते हैं, चलो मुझे एक बात बताओगे तुम, ड्यूटेरोमाइसिटीज में तीन आते हैं ना टोटल फंजाई, तो तीनों फंजाई के नाम बताओ, तीनों फंजाई के नाम बताओ, ट्रिक तो पहले कैट याद रखना है ना, सी फॉर कॉलिटोट्रिकम, ए फॉर अल्टरनेरिया, टी फॉर ट्राइकोडर्मा, ये तीनों नाम तुम्हें याद होने चाहिए। ओके तो सी फॉर कॉलिटोट्रिकम, ए फॉर अल्टरनेरिया, टी फॉर ट्राइकोडर्मा, क्लियर है, चलो नेक्स्ट 72, इन किंगडम प्लांटी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद, इन प्लांटी, इन किंगडम प्लांटी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद, सेकेंड चैप्टर का ही क्वेश्चन है प्लांटी वाले पोर्शन से, इज नॉट एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ हैप्लोइड और डिप्लॉइड फेसेस का कोई वास्ता नहीं है, मिसस्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक से रिलेशन हो जाता है क्योंकि ब्रायोफाइट्स का मेन डोमिनेंट फेज की अगर बात करूं मैं तो गैमेटोफाइटिक होता है और बाकी सबका स्पोरोफाइटिक होता है, लेंथ भी मायने रखता है कि हैप्लोइड और डिप्लॉइड का, और फिर लिविंग डिपेंडेंट तो मायने रखता ही है लेकिन नंबर ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज कोई मायने इसमें नहीं रखता है।
क्वेश्चन नंबर 73, साइंटिस्ट के नाम और उनके बगल में उनके तमाम काम, मैच द फॉलोइंग। साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग मैच करो भाई। टीयू डाइनर, क्या लग रहा है? एक तो मिल गया हमें डी का वन, तो इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए हमें, है ना, इसको हटा दो। नेक्स्ट डब्ल्यू एम स्टैनली, अच्छा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस। सी का टू, सी का टू मीन्स ये भी गया। अब दो ऑप्शंस बचे हैं तुम्हारे पास। नेक्स्ट एम डब्ल्यू बेजरिंग, तो कॉन्टेजियम वायमम फ्लूडम, तो बी का थ्री आंसर है। फर्स्ट आ रहा है सबका आंसर, फर्स्ट 73 का वन आ रहा है, बहुत अच्छा। विशाल कुमार श्रीवास्तव, शिक्षा यादव, महावीर सिंह, राजीव सिंह मौर्य, मोनी झा, दुर्दना, बहुत बढ़िया, शानदार, दीपांजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, अबाउट पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरसेस, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बस वही बताना है तुम्हें, पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरस के रिगार्डिंग, मिस एस आर ने कौन है, डबल स्ट्रैंडेड आर ने कौन है, बस यही तो पूछा गया है तुमसे। हाँ, बस नॉट करेक्ट तुमसे पूछा गया। देखो ना, बैक्टेरोफेज में तो कुछ देर पहले ही तुम बोले थे ना आरएनए तो होता नहीं, डीएनए होगा, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए तुमने खुद ही बोला था, जो कि नीचे सही लिख रखी है। तो बैक्टेरियोफेजेस यूजुअली हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और यहां पर लिख रखा है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, बात बिल्कुल गलत है। 74 का आंसर क्या है? 3। ओके, आज हम लोग करीब 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, और जो बच्चे अनअकैडमी प्लस जिन्हें ज्वाइन करना है वो कुमार लाइफ कोड को यूज करना है, ये कोड बिल्कुल इसको फेमस करना है, तो मैं ना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुमार लाइव कोड यूज करना है जब कभी भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो चाहे वन ईयर का या टू ईयर का, तुम्हारे जो भी जूनियर हो, रिलेटिव्स हो, तुम हो, है ना, तो अगर कुमार लाइव कोड यूज करते हो तुम, 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मेरे पर्सनल गाइडेंस में तुम हमेशा रहोगे, मेरे पर्सनल गाइडेंस में तुम हमेशा रहोगे, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तुम इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, और तुम सब्सक्रिप्शन लेकर इस पे डायरेक्ट फोटो भी सेंड कर सकते हो, हैशटैग सब्सक्रिप्शन कर इस पे मैसेज कर सकते हो। ओके, मैं तुम्हें फिर गाइड कर दूंगा सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, क्या करना है। 80 से ज्यादा टीचर्स अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहे हैं। ओके, 74 का आंसर 3 है। नेक्स्ट 75 वायरस के बारे में कहते हैं कि वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। व्हेन इट अटैक ऑन प्लांट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट अपीयर। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हेन इट अटैक प्लांट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट अपीयर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अपीयर। 75, क्या लगता है आंसर? गॉल फॉर्मेशन होगा। एनसीईआरटी अगर पढ़े होगे तो हम अच्छे से, उसमें मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रॉरिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग है, इन गॉल फॉर्मेशन का जिक्र वहां पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरॉइड्स। वायरॉइड का तुम्हें क्या लगता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है वायरॉइड का? लगाओ जल्दी से, वायरॉइड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है यहां पे, जल्दी से बताओ क्या लग रहा है तुम्हें। Which among the following is the characteristic of viroid? क्या ये बीमारी काउज करता है पोटैटो में, जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आलू बिल्कुल लगेगा क्या ऐसा हो गया है ना, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो ये चीज थी यहाँ पे सिंपल सी, इसके बारे में चीजें ध्यान रखनी है। अब इसके बारे में मैं चल रहा हूं लिविंग वर्ल्ड के कुछ पुराने क्वेश्चन पे जिक्र नजर डालते हैं, लिविंग वर्ल्ड के जो पुराने क्वेश्चंस हैं उस पे थोड़ी सी नजर डाली जाए। ओके, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जो द लिविंग वर्ल्ड से आए हुए हैं। द लिविंग वर्ल्ड का पहला क्वेश्चन जो इसी साल पूछा गया, जल्दी से लगाओ। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ बैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई कैरोलस लिनियस। कुछ पीवाई क्यू की बात कर लेते हैं, ज्यादा पीवाई क्यू है नहीं, 20 से 25 पीवाई क्यू है। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ क्या लग रहा है तुम्हें, पहला नाम क्या गलत लग रहा है तुम्हें? बिल्कुल पहला नाम, सॉरी पहला नाम तुम्हें गलत लगना चाहिए, है ना। देखो सेकेंड नाम में चलें, पूरा नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ एब्रिवेटेड फॉर्म में चीजें लिखी जाती हैं,
तो आंसर सी हो गया ना, मैंगीफेरा इंडिका लिन। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन, आईसीबीएन के रूल के खिलाफ कौन है, जल्दी से बताओ, आईसीबीएन के रूल के खिलाफ कौन है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन, आईसीबीएन के रूल के खिलाफ है, आंसर डी। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, ऐसा नहीं है, जेनरिक नेम को कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए और स्पेसिफिक नेम को स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री लगाओ जल्दी से आंसर, हर्बेरियम की म्यूजियम और कैटलॉग, हर्बेरियम की म्यूजियम और कैटलॉग, और मैचिंग मैचिंग खेलें जरा। बात चली हर्बेरियम के बारे में, हर्बेरियम एक ऐसा जगह है जहां किसी भी प्लांट को लाते हैं ड्राई प्रेस और प्रिजर्व करते हैं, तो हमें मिलता जुलता एक मिल गया, दो यहां पे एलिमिनेट कर देना चाहिए। नेक्स्ट बात चलती की के बारे में, तो की एक ऐसा है जिसमें ऑल्टरनेटिव्स यूज किए जाते हैं, याद होगा तुम्हें, जिसमें कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑल्टरनेटिव यूज किए जाते हैं, और एक होता है की, और उसमें दो चीजें होती है, दो स्टेटमेंट होता है, दोनों को लीड बोला जाता है, तो आंसर फोर जाएगा। अगर मैं म्यूजियम की बात करूं तो म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों को रखा जाता है, प्रिजर्व बोल रहे हैं मतलब डेड प्लांट और एनिमल्स को रखते हैं। कैटलॉग की बात चल रही है तो लिस्ट होती है जिसमें सारे आइडेंटिफिकेशन वगैरह के बारे में जिक्र होता है, सबका आंसर आना चाहिए डी। आ रहा है ना सबका आंसर डी, बहुत बढ़िया, डी आना चाहिए भाई सबका आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, हर्बेरियम सीड पे सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जितने ऑप्शन में लिख रखे हैं, सिर्फ एक नहीं होता, प्लांट की कितनी हाइट है इसको मेंटेन करना बेवकूफी है, क्योंकि हर एक प्लांट का तो सेम हाइट नहीं होता ना। क्वेश्चन नंबर फाइव, फिर से लो मैच द फॉलोइंग आ गया, एनसीईआरटी का जो डब्बा है जिस डब्बे में मैंगो वगैरह के बारे में जो जिक्र है, मैंगो, ह्यूमन, हाउस फ्लाई, ये सब के बारे में उसमें इसे तुमसे पूछा गया है। फैमिली की बात चलेगी तो फैमिली में मस्कीडी, ऑर्डर की बात चलेगी ऑर्डर में डिप्टेरा, क्लास में इंसेक्टा, फाइलम में आर्थ्रोपोडा, मैचिंग मैचिंग खेलो ना, आंसर सबका क्या ए आ रहा है, ए का थ्री, बी का वन, सी का फोर, डी का टू, क्लियर है। फैमिली हार्ड लगती है ऋषभ, अरे सिंपल तो है, लास्ट में देख लोगे ना तुम सफिक्स भी, इससे भी क्लियर हो जाएगा, जैसे एनाकार्डियासी, वीट का पोएसी, ह्यूमन का होमिनिडी, ये सब तो है चीजें। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चार स्टेटमेंट है तुम्हें बताना है, दो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, दो कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट लगते हैं तुम्हें। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, क्या अर्नेस्ट मायर ने दिया था, बात सही है। फोटोपीरियड इज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, दोनों में अफेक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एस विटेकर, बात गलत है, लिनियस ने दिया था। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, बिल्कुल बात सही है। तो दो स्टेटमेंट इसमें से सही है, टू करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से सही है, ए और डी वाला सही है, मींस आंसर सी जाएगा, ए और डी, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन नंबर में आओ, सेवन नंबर में आ जाओ जल्दी से। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी, मींस जस्ट अपोजिट है रूल्स नोमेनक्लेचर के, नोमेनक्लेचर के रूल से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, लगाओ भाई जल्दी से आंसर, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या बायोलॉजिकल नेम को हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत, जब भी लिखना होगा हमें तो लैटिन लैंग्वेज में ही लिखना चाहिए। तो नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल में एक रूल गलत लिख रखा है यहाँ पे, तो सेवन का आंसर सी चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, महावीर, अथर्व, राजीव, अभिषेक, रमेश, अर्चना, ऋषभ, कोमल, दुर्दना, आहार, प्रियांशी, बहुत बढ़िया शानदार, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर एट क्या आंसर ए आ रहा है। ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, बिल्कुल नहीं, कभी भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये, पूरे टैक्सोनॉमिकल एड्स में
सबसे जो काम की बात है वो एक्चुअल स्पेसिमेंस को कलेक्ट करना। कहीं म्यूजियम की भी बात होगी ना, तो वहां स्केलेटन के फोटोग्राफ्स वगैरह भी नहीं रखे जाते, ठीक है? तो म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल गलत, नॉट अ करेक्ट पूछा गया था। 9 नंबर, ये भी क्वेश्चन अच्छा लेवल पे आता है, ये कई बच्चे गलत कर देते हैं इसे। The common characteristics between tomato and potato will be maximum at the level of their common characteristics पूछी जा रही है, किसमें maximum होगा? जल्दी बताओ। Dr. Strange, Tia Dalvedia, Neetu Yadav, Vishesh Gupta, Mahavir Singh। Answer क्या लग रहा है? Answer A लगना चाहिए। Family में ही तो बात करते हैं ना, जैसे देखो ना Solanaceae की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर तो इसमें ही मिलेंगे ना कि अच्छा टोमेटो पोटैटो दोनों सोलेनेसी में, हाँ तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स भी उसमें ही कंसिडर किए जाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू आईसी इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। पहला नाम थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, पहला नाम लिख रखा है मस्का डोमेस्टिका, कॉमन हॉर्स लिजार्ड, रेप्टाइल, ठीक है? मस्का डोमेस्टिका तो लिजार्ड का नाम होता ही नहीं है, तो पहला तो साइड कर दो। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, अच्छा जिससे मलेरिया होता है, प्रोटोजोअन से होता है, ठीक है मलेरिया होता है तो बात तो बिल्कुल सही है। फेलिस टिग्रिस, ऐसे कोई नाम है भी नहीं। इंडियन टाइगर का नाम पैंथेरा टिग्रिस होता है, गिर फॉरेस्ट में मिलता है, तो ये तो बी तो आंसर सही हो गया ना। आगे चलो, ये स्त्रीचिया कोलाई होना चाहिए यहां पे। क्वेश्चन नंबर 11, गोपेश चौधरी, ईसा चौधरी, शांति चौहान, ज्योति करैया। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्या लगता है तुम्हें? बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। मोलस्का क्लास नहीं होता, मोलस्का फाइलम होता है। प्राइमेट फैमिली नहीं होता, प्राइमेट ऑर्डर होता है। मस्का ऑर्डर नहीं होता, मस्का जीनस होता है, ठीक है? छोटू छोटू छोटू, क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट, 11 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलो, Which one of the following aspect is an exclusive characteristic of living things? Question number 12. Exclusive character generally हम उसको बोलते हैं जो सबसे ज्यादा टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर हो जाएगा, जो कॉन्शियसनेस है, तो कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग ही लाइन लिखी गई है ना? तो 12 का आंसर क्या चला जाएगा? C. Perception of events happening in the environment and their memory. Okay. Next. क्वेश्चन नंबर 13, लो आईसीबीएन आ गया। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नंबर्स, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, क्या लग रहा है? आंसर ए लग रहा है सबको, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट 14 नंबर, इसमें कई किताबें अलग अलग आंसर देती हैं, तो मैं एक्चुअल बताना है क्या लग रहा है, जो ज्यादा मोर करेक्ट है वो बताना है, ठीक है? क्योंकि कई किताबें इसका आंसर सी भी देती हैं, कई किताबें डी भी देती हैं, कई किताबें बी भी देती हैं, कई किताबें ए भी देती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है भाई? ए है। क्यों? देखो अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड की अगर बात चलेगी ना, तो आएगा कॉन्शियसनेस, ठीक है? तो इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट का मतलब वही होता है कॉन्शियसनेस। और एक और चीज इसमें जोड़ दिया गया है, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो 14 का आंसर क्या चला जाएगा? ए। Responsiveness to touch भी सही है, ये consciousness में ही आता है ना? तो 14 का डी भी हो सकता है। कई किताबें जो हैं वो डी भी देती हैं, कई किताबें ए भी देती हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जब ये आया था एग्जाम में क्वेश्चन 2007 में, तो इसमें बोनस गया था, तो ये चीज याद रखना है कि इसमें आंसर ए जाएगा, क्योंकि ए इज मोर करेक्ट। 15, One of the most important function botanical garden का main काम क्या है?
हाँ भाई लगाओ जरा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? दे अलाउ एक्स सी टू कंजर्वेशन। ट्वेल्थ क्लास में पढ़ने की है चीजें। एक्स सी टू कंजर्वेशन, एक्स सी टू कंजर्वेशन वो होता है अगर प्लांट कहीं और का था, हम कहीं और लेकर उसको चले गए, तो दे अलाउ एक्स सी टू कंजर्वेशन। 16, स्पेसीज आर कंसिडर्ड एज। इस ऑप्शन में भी कई को कंफ्यूजन होता है। स्पैम नहीं, स्पैम नहीं। हशीम राजा जो 13 क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में, बाई मिस्टेक वो फॉर लिखा गया है, फॉर और ऑफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है। स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज, स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। शिवम स्पैम नहीं, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर है ना चीज? नेक्स्ट आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17, बायोसिस्टमैटिक एम्स एट। बायोसिस्टमैटिक एम्स एट, देखो दो तरह की बातें हैं, एक है ओल्ड सिस्टमैटिक्स लीनियस वाली, एक है बायोसिस्टमैटिक्स 1940 सर जूलियन हक्सले वाली। ठीक है, जिसको एनसीईआरटी बोलती है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो देखो एनसीईआरटी ने भी दिया है, इसमें एक नहीं बहुत सारे पैरामीटर्स का यूज हुआ है बायोसिस्टमैटिक्स में, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो है ही, उसके साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर भी है, जैसे साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, हिस्टोटैक्सोनॉमी, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इमरोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? सी, है ना, बहुत सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। 2001 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल। लगता हमें ऐसा है कि किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज में बोला जा रहा है कि जीनस से भी कम कैरेक्टर है ना, तो स्पेसीज में होते हैं। थोड़ा सा एक्सेप्शन केस हो जाता है, क्योंकि तुम्हें तो लगेगा कि धीरे धीरे अगर ऊपर जाएंगे तो कैरेक्टर्स की अगर बात होगी तो धीरे धीरे तो कम होती चली जाएगी, है ना, तो आंसर क्या चला जाएगा? स्पेसीज, एक्सेप्शनल केस है भाई, याद रखना है ये, समझ गया? क्योंकि सिंपल सी बात अगर मैं देखूं तो जीनस में ज्यादा कैरेक्टर होते हैं या स्पेसीज में ज्यादा कैरेक्टर होते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर ही देख लेते हैं ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, अगर मैं बोल रहा हूं मैंगीफेरा, तो मैंगीफेरा का मतलब ऐसा नहीं सिर्फ मैंगो की बात कर रहा हूं, बहुत सारे इसमें स्पीसीज आ जाते हैं, लेकिन इंडिका का मतलब एक इंडिका ही स्पीसीज के बारे में बात चल रही है। एक एग्जाम्पल और समझोगे तो तुम्हारा फैमिलियर एग्जाम्पल है, जैसे सोलेनम ट्यूबरोशम है ना, तो सोलेनम से जिक्र आलू का भी हो जाता है, बैगन का भी हो जाता है, टमाटर का भी हो जाता है ना, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ ट्यूबरोशम तो सिर्फ आलू का जिक्र ही हो रहा है, क्योंकि आलू का फीचर ट्यूबर लाइक है ना, तो इसलिए कहते हैं जीनस में कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, स्पेसीज में कैरेक्टर कम होते हैं। 19, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ, बात चल रही है टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, तो टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। 20, लीनियस इज क्रेडिटेड विद, लीनियस इज क्रेडिटेड विद, बताओ 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 जल्दी से बताओ। क्या लग रहा है तुम्हें? ट्वेल्थ में बी नहीं हो सकता, हम में इनसाइड भी होता है तो आउटसाइड भी होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आंसर क्या जाएगा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। 21, 20, 20, 21, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, आंसर क्या सबका सी आ रहा है? एक चीज का ख्याल रखना, फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब को भी रखते हैं, ये पुरानी क्लासिफिकेशन की बात है, आज ट्राइब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, वहां पे ट्राइब, याद रखना कि जीनस और फैमिली के बीच में ना हम ट्राइब को रखते हैं, जीनस और फैमिली के बीच में ट्राइब को रखते हैं। 22, इसमें भी कई जगह अलग अलग चीजें ऑप्शन दे रखी हैं, कि जो टर्म फाइलम है
तो फाइलम जो टर्म है ना, ये कूवियर ने ही दिया था, याद रखना ये चीज कि जो फाइलम टर्म है वो कूवियर ने ही दिया था। ओके नेक्स्ट 23 कहते हैं कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स मींस कैरेक्टर ऑफ एनी रैंक इज, ऑफ एनी रैंक इज, क्या लग रहा है तुम्हें? टैक्सॉन तो यही होता है ना, टैक्सॉन मैं अगर बोल रहा हूं प्लांटी तो ग्रुप ऑफ प्लांट्स नहीं है क्या ये? तो टैक्सॉन ही हो जाएगा इसमें आंसर। आंसर क्या है इसमें? टैक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 24 लो फिर से आ गया वही चीज, अ टैक्सॉन इज, अ टैक्सॉन इज, 1992 में भी और 1990 में भी आया। अ टैक्सॉन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, बात बिल्कुल समझ में आती होगी कि टैक्सॉन क्या है। तो टैक्सॉन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमी ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन। अगर तुमसे पूछा जाए बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो स्मॉलेस्ट, जल्दी से बताओ। देखो अगर तुमसे पूछा जाता, सुनो सुनो, अगर तुमसे पूछा जाता कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है तो बात तो बिल्कुल सही है, इसमें सब लोग लगा रहे हो स्पेसीज। लेकिन तुमसे पूछा जाता कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, तब तुम तो लगाते किंगडम, क्योंकि जब बेसिक यूनिट में आ गया या लोएस्ट बेसिक यूनिट की बात करें तो वो तो आ गया स्पेसीज। अगर तुमसे पूछा जाता कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तब तुम किंगडम लगाते। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाता कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हम किसी को भी बोल सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, इसमें से कोई भी हो सकता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एनी वन ऑफ द सेवन। अगर तुमसे पूछा जाए बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो तुम बोलोगे स्पेसीज। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो किंगडम। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, आगे चलें आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आयुषराज देवा, देव देवव्रत पात्र, अहद शेख, हसीन राजा, राजीव सिंह मौर्य, अहद शेख, जल्दी लगाओ भाई, जल्दी लगाओ। लीनियस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को बाइनोमियल सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? बाइनोमियल सिस्टम। नेक्स्ट, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स किसने दिया था और कब दिया था ये भी बताना। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाई, चाहे तुम न्यू सिस्टमैटिक्स बोलो, न्यू सिस्टमैटिक्स बोलो, बायो सिस्टमैटिक्स बोलो, मॉडर्न इकोनॉमिक स्टडीज बोलो, बात बराबर है। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाई, टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई, किसने इंट्रोड्यूस किया था? क्या जूलियन हक्सले ने किया था और कब किया था? 1940 में किया था। तो दोनों चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट है, 1940 में और जूलियन हक्सले ने। नेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट था, जैसे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पीसीज है ना, वैसे ही स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पीसीज हुआ करता था। तो तुमसे पूछा गया है स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पीसीज किसने दिया था, सिर्फ साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना है, काफी है। ठीक है, तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया, वाज पुट फॉरवर्ड बाय। तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट की अगर बात चलेगी तो सिर्फ आंसर तुम्हें याद रखना है, आंसर क्या है? थियोफेरेस्टस। तुमसे कोई नहीं पूछने वाला स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या होता है, तो आंसर क्या जाएगा? थियोफेरेस्टस। ओके, आंसर है थियोफेरेस्टस। इसके बाद क्वेश्चन हमारे खत्म हुए है ना। तो आज हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उधर से हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के दो चैप्टर्स कंप्लीट किए, प्लांट फिजियोलॉजी के भी दो चैप्टर्स कंप्लीट किए। मैं छह चैप्टर तो यूं ही एक हफ्तों में ही कंप्लीट हो गया है। जो बच्चे आज क्लास में पहली बार आए हैं मैं उन्हें बता दूं, डेली ये सेशन 8 बजे चलता है, डेली ये सेशन 8 बजे अनअकैडमी सेपियंस पे चलती है। और आज मैं स्पेशल क्लास ले रहा हूं, जो स्पेशल क्लास मैं ले रहा हूं उसमें दो स्पेशल क्लासेस हैं, एक का टाइमिंग है 4:00 बजे और एक का टाइमिंग है 10:00 बजे। ठीक है, 10:00 बजे और 4:00 बजे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, 4:00 बजे और 10:00 बजे।
ठीक है ओके। जो बच्चे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है तो मैं तो कोड तो सब लोग जानते हैं, कोड सबको मालूम है कि अगर अनअकैडमी प्लस पे आना है तो कुमार लाइव कोड लगाना है। ठीक है, अनअकैडमी प्लस पे आना है तो कुमार लाइव कोड लगाना है, अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए। ओके, एनसीईआरटी मैराथन जो चल रही थी वो आगे कैसे कंटिन्यू होगी, उम्मीद पूरी है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में वो स्टार्ट फिर से हो जाए। तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस वगैरह सबको समझ में आ गया। ओके, मजा आया, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। इसमें तो वो क्वेश्चन थे जो आ चुके हैं एग्जाम में ऑलरेडी, है ना। ड्रॉपर की टाइमिंग जो अनअकैडमी की है वो होती है, ड्रॉपर की टाइमिंग जो है अभी देखो, जैसे जो ड्रॉपर्स वाले बच्चे भी है ना वो भी 11 12th के क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से। मतलब देखो दो बातें हो जाती हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा नीट एग्जाम का अगर तुम प्रिपरेशन कर, दो मिनट मेरी बातें सिर्फ सुन लेना, अगर तुम नीट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम नीट एग्जाम का प्रिपरेशन अगर तुम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर तुम्हारे मार्क्स 400 के करीब अगर आते हैं, ठीक है, 400 के करीब 400 नंबर आ रहे हैं, 450 नंबर अगर तुम्हारे आते हैं, ठीक है, तो तुम्हें नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए 2021 के लिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं 480 500, अगर तुम्हारे ऐसे मार्क्स अगर आते हैं तो तुम्हें इसी साल के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है, अभी करीब 1.5 महीने टाइम है तुम्हारे पास, तो 1.5 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है ना। 1.5 महीने जब टाइम है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर तुम अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो दो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हारे 400 मार्क्स भी आ रहे हैं तो तुम तो चाहे जब एग्जाम हो जाएगा 13 सितंबर को तो अक्टूबर वाले बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन अगर अभी तुम चाहते हो कि 11th वाले के साथ हम 11th करें, 12th वाले के साथ हम 12th करें, तो वो तुम्हारे सामने सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर तुम वैसा करना चाहते हो तो, क्योंकि सारी चीजें तुम्हारे बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लियर होंगी, है ना। ओके ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम लोग आज अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में शाम 4 बजे और रात 10 बजे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।